फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी देखने के लिए सिंघाड़े की पकौड़ी हमने कैसे बनाया है तो आप लोग वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिएगा। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स हम आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। तो आइए फटाफट चालू करते हैं अपना रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है व्रत की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम ले लिए हैं आलू, ये कच्चा आलू है। कच्चे आलू को जो है बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम आलू को बिल्कुल पतले पतले और छोटे छोटे कट कर लिए हैं। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी रेसिपी ये व्रत के लिए हम बता रहे हैं, आज हम फलहारी वाला बना रहे हैं, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने पहले से तो आलू कट कर लिया है। अब हमें चाहिए हरी मिर्च, तो यहाँ पे हम हरी मिर्च ले लिए हैं। हरी मिर्च आप जो है ज़्यादा या कम कर सकती हैं, अगर तीखा ज़्यादा खाती होंगी तो हरी मिर्च ले लीजिएगा ज़्यादा, नहीं तो फिर कम कर सकती हैं। कितने लोगों के लिए बना रही हैं वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो हरी मिर्च को पहले कट कर लेते हैं। हरी मिर्च को हम कट कर लें, तो यहाँ पे हम हरी मिर्च को जो है कट करेंगे। हरी मिर्च को जो है हम छोटे छोटे टुकड़े में डाल देंगे कट करके, ऐसे जैसे हम पकौड़ी वगैरह में डालते हैं, ठीक उसी तरह हमें जो है कट कर लेनी है हरी मिर्च को। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि मीठा खाने का व्रत में बिल्कुल भी मन नहीं होता है, कुछ तीखा खाने का मन करता है चटपटा, तो इसलिए मैंने यह सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ जो है इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। पकौड़ी की, पकौड़ी कैसे बनता है व्रत में, बिल्कुल चटपटी पकौड़ी तैयार करेंगे। तो हरी मिर्च को, सारी हरी मिर्च को हम कट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने आलू को जो है धुल के पहले से रख दिए हैं, क्योंकि इसका पानी जो है गिर जाएगा। ये बहुत ही न्यू रेसिपी आप लोगों को बना रहे हैं फ्रेंड्स, बता रहे हैं व्रत के लिए। यहाँ हरी मिर्च को जो है मैंने काट लिया, सारे हरी मिर्च को। अब हमें एक कटोरा ले लेना है, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, और उसमें जो है उसमें हम आलू को डाल देते हैं। ये कच्चा आलू है फ्रेंड्स, कच्चे आलू से ही इसकी रेसिपी हम बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, आप लोग खा के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है और व्रत में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है सिंघाड़े का आटा, आप लोग जो भी बोलते होंगे हमेशा सिंघाड़ा का आटा बोलते हैं, व्रत वाला जो आटा आता है वही है। तो आटे को हम इसमें जो है डाल देंगे। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, आप कितने लोगों का बनाती हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। बस इसमें हम आटे को डाल दिए। अब जो यहाँ पे हम हरी मिर्च रखे हैं कट करके, इसे भी डाल देते हैं इसी का, और इसमें डाल दे एक चम्मच डाल देते हैं खड़ा जीरा, और नमक डाल देंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। और यहाँ पे हम सेंधा नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि व्रत में हम लोग सेंधा नमक ही खाना पसंद करते हैं, तो व्रत में तो सेंधा नमक ही खाया जाता है। यहाँ पे हम सेंधा नमक डाल दिए, टेस्ट अनुसार डाल दिए नमक। और अब थोड़ा सा हम डाल रहे हैं पिसा लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को भी खानी है तो बस इतना ही काफी है। अगर आप लोग तीखा कम खाते होंगे तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकती हैं। अब इसे हमें क्या करना है, पानी डाल के बहुत पतला, हमें इसका घोल नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और इसका जो है हम जैसे हम पकौड़ी का बनाते हैं ठीक उसी तरह हमें बना लेना है, न तो बहुत ज्यादा पतला हो और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा रहना चाहिए। पहले थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और इसे हम बिल्कुल, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने जो है बिल्कुल तैयार कर लिया है घोल बना के। इसे हम बिल्कुल पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये हम पकौड़ी बना रहे हैं इसके, तो बहुत ही अगर पतला कर लेंगे तो फिर पकौड़ी बनाने में दिक्कत होता है।
तो इसका हमें ऐसा ही करना है जैसे हम बेसन या आटे या कोई पकौड़ी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिना व्रत के लिए ये पकौड़ी बना रही हैं तो इसके जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हम व्रत के लिए बता रहे हैं, फलहारी है ये, तो इसलिए हम सिंघाड़े का आटा यूज किए। तो आइए अब देखिए, यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें हम घी डाल दिए हैं। अगर आप बिना व्रत के लिए पकौड़ी बना रहे हैं तो आप तेल में भी तल सकती हैं। और अब हमारा तेल जो है गर्म हो गया है, तो हम एक एक छोटा छोटा करके पकौड़ी को डाल देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा ही पकौड़ी हम बनाएंगे। अगर आप लोग फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स आप लोगों का कमेंट पढ़ के या फिर लाइक आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस सारे को ऐसे ही हमें छोटा छोटा करके डाल देना है। बहुत टेस्टी ये पकौड़ी बनेगा फ्रेंड्स, आप लोग व्रत में बना के देखिएगा, खा के बहुत पसंद आएगा आप सभी लोगों को। इसे पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पलट दिया है और आप देख सकते होंगे कि पकौड़ी मेरी बिल्कुल लाल लाल पकौड़ी बन के तैयार होने वाला है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल कुरकुरा ये पकौड़ी बन के तैयार होता है, क्रिस्पी बिल्कुल होता है। तो हम निकाल लिए, बाकी को भी ऐसे ही तल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़ी जो है बनके बिल्कुल रेडी है। सिंघाड़े की पकौड़ी बिल्कुल आप भी बनाइए व्रत में और खाइए, बिल्कुल इतनी क्रिस्पी ये पकौड़ी बनके तैयार हुई है। आप इसकी आवाज़ सुन सकती हैं, बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ी लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप लोग बना के देखिएगा खा के, बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगने वाला है ये मेरी रेसिपी। तो ये बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़ी आप लोग बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए। और बारिश हो और उसमें ये पकौड़ी मिले गर्मा गर्म तो और भी मज़ा आ जाते हैं, बिल्कुल दोगुना स्वाद बढ़ जाता है पकौड़ी के। तो लीजिए, गर्मा गर्म पकौड़ी आप सभी लोगों के लिए तैयार है। अगर फ्रेंड्स मेरी आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग जो है लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।